हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी राजमा की, वही राजमा देखिए किस तरह से दिख रहे हैं। भारी बरसात के कारण फसल थोड़ी ख़राब हो चुकी है। मैंने सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो बना दी जाए। अब तो मौसम भी कुछ हल्का सा खुल गया है। चलिए देखिए, दिखा देते हैं आपको फसल में कितनी खराबी आ गई है। ये देखिए, कुछ स्प्रे करने का भी कोई समय ही नहीं मिला। चलिए आज मैं एक स्प्रे का इस्तेमाल इनके ऊपर करने जा रहा हूँ, जो कि ये जो हल्के हल्के पीले पत्ते जो दिख रहे हैं, इनके ऊपर मैं एक फंगीसाइड का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। आप बने रहिए मेरी वीडियो पे, मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन सी स्प्रे का इस्तेमाल मैं इस राजमा के ऊपर करने जा रहा हूँ, ताकि अगर आपके फसल में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो आप किस तरह से इन फसल को बचा सकते हैं। ये देखिए, पीली पड़ चुकी है फसल, इसके ऊपर मैं एक फंगीसाइड का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। लगातार बने रहिए मेरी वीडियो पे, मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन सी फंगीसाइड का इस्तेमाल मैं फसल के ऊपर करने जा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों, ये फंगिसाइड जो है टाटा प्रोडक्ट M45 कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, जो कि मार्केट में आपको मिल जाएगी बड़े आसानी से। आधा किलो की है, एक ड्रम के लिए है, और इस फंगिसाइड का इस्तेमाल आप राजमा के ही ऊपर नहीं बल्कि और फसल के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे कि दिखा देते हैं आपको और अदर फसल, जैसे कि ये देखिए टमाटर पे भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। कहीं कहीं जैसे पीलापन आ जाता है, इसके ऊपर भी आप इस फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे कि ये पेड़ों पे भी कहीं कहीं आपको हल्का हल्का पीला पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर हो सके तो अगर इस पे साथ में आप कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसी फसल के ऊपर इसका प्रयोग करने जा रहा हूँ, और इसका रिजल्ट क्या रहता है आप मेरी वीडियो को देखते रहें। अगली वीडियो में जैसे ही मेरी वीडियो का शुरुआत करता हूँ तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट रहा है। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपको और भी देता रहूं। धन्यवाद।